अगस्त माह मासिक राशि फल 2024 क्या कहती है आपकी बार की ग्रह चाल? सेहत साथ देगी या फिर परेशान करेगी? रिश्तों के मामले में कितने लकी रहेंगे? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कमाई के तोड़ेंगे कितने रिकॉर्ड? मेहनत संग किस्मत देगी कितना साथ? क्या हासिल करेंगे और क्या खोएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर लेकर हाजिर है क्या कहता आपका मासिक राशि फल। बात हो रही है अगस्त महीने की और बात हम आप ही की राशि यानी कि धनु राशि, धनु लगन वाले लोगों के बारे में कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि इस महीने की शुरुआत आपके लिए कितनी बड़ी एक खुशियों भरी रहने वाली है। धनु राशि, धनु लगन वाले क्या अब की बार धनवान बनने वाले हैं? सबसे बड़ी बात ये कि इस महीने ईश्वर आपको कितने मौके देगा आगे बढ़ने के लिए? क्या कुछ है इस महीने आपके लिए हासिल करने के लिए? आपकी कोशिशें, आपकी मेहनत इस महीने कितनी रंग ला पाएंगे? आर्थिक तौर पर आप कितने मजबूत हो पाएंगे और क्या सरप्राइज है इस महीने आप लोगों के लिए, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह ग्रह चाल से शुरू करते हैं और मयंक जी से जानते हैं। बताएं मयंक जी। देखिए धनु राशि वालों, अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो आपके तीसरे भाव में शनि वक्री हैं, राहु चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में गुरु मंगल हैं, छठे भाव में माफ कीजिएगा सातवें भाव में चंद्रमा है और आठवें भाव में देखिए सूर्य है। ये कमजोर पहलू अभी चल रहा है आपका। नवम भाव में शुक्र बुध की स्थिति काफ़ी उत्तम है और दशम भाव में केतु है, तो ये ग्रह स्थिति आपकी बनी हुई है। इस महीने थोड़ा सा शुरुआत जो है धीमी रह सकती है, तो शुरुआती 16 दिन संभल के चलना है, उसके बाद फिर आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो शुरुआती 16 दिन थोड़ा सा संभल कर चलना है, तो क्या इन्हीं शुरुआती 16 दिनों में आपको आर्थिक, माफ़ कीजिए, सेहत संबंधी दिक्कतें भी क्या झेलनी पड़ेगी? आपकी इस बार सेहत कितना साथ देने वाली है, जानेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। देखिए कविता जी, धनु राशि वालों को अभी सेहत का ध्यान बहुत देना पड़ेगा क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में है और गुरु मंगल छठे भाव में है, तो रोग, ऋण, शत्रु ये सब वृद्धि करते हैं यहाँ पर, ये तीन ग्रह। तो सेहत का ध्यान रखें और खासकर मेरी सलाह ये है कि 20 तारीख तक आपको अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए जी। तो इसलिए आधे से ज़्यादा महीना निकल जाएगा, तो एक तरीके से कहीं ऐसा ना हो जाए कि खराब सेहत के चलते आपके जो काम और होने वाले थे वो रुक जाएं, तो इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं जी, ये तो आपने कि सेहत के बारे में बताया कि शुरुआत के 20 दिन तो सेहत पे थोड़ा सा इनको सतर्कता बरतने की जरूरत है वरना दिक्कतें हो इनकी बढ़ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या लगता है, उन्हें कितनी सक्सेस मिल पाएगी इस महीने? देखिए छात्रों के लिए ये जो महीना रहेगा हम कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा संघर्षपूर्ण है भाई। देखिए पंचम भाव पे अगर देखें तो शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है जी। वो भी अच्छी नहीं है और इसके साथ साथ ही गुरु जो है और वो भी छठे भाव में है, तो इस महीने मेहनत थोड़ी छात्रों को ज़्यादा करनी पड़ेगी और तो फिर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लापरवाही बिल्कुल ना करें शिक्षा परीक्षा के मामले में। विदेश जाने की अगर सोच रहे हैं तो उसमें अभी थोड़ा सा कुछ समय लगेगा, कुछ समय के बाद यानी कि अभी 2 महीनों के बाद विदेश जाने के योग अच्छे बन रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम अब जानेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या कहती है। आपका निजी जीवन में कितने बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कितने नए रिश्तों से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जुड़ सकते हैं और जो आपके रिश्ते अभी हैं उनसे आपके किस तरह की मिठास आप बरकरार रख पाने में कामयाब हो पाएंगे, तो प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन। देखिए रिश्तों के लिए ये जो महीना रहेगा अभी थोड़ा सा मिला जुला रहता हुआ नज़र आ रहा है, कारण समझा देता हूँ। लग्नेश छठे भाव में आपका बैठा है राशि का स्वामी जी। और सप्तमेश जो है हालांकि आपके त्रिकोण भाव में बैठा है, तो केंद्र अधिपति दोष लगता है और केंद्र में कोई भी ऐसा शुभ ग्रह नहीं है जो कि रिश्तों को मधुरता लाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी संभल कर चलना है इस पूरे महीने। धनुराशि वालों प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ और मधुरता बना के रखें, विवादों से दूर रहें और किसी भी तरह का घरेलू कलह से आपको बचना चाहिए और खासकर अपने ऑफिस में भी। संतान पक्ष की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी? संतान पक्ष की तरफ से देखिए ये जो समय है आपकी संतान की तरक्की का समय हम कहते हैं, संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ 20 तारीख के बाद आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए और इसी के साथ अब पर्सनल लाइफ से निकल कर प्रोफेशनल लाइफ में चलते हैं और वहाँ जानेंगे कि आपकी तरक्की के कितने योग अब बन रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं या अपना खुद का बिजनेस है, कुछ माइंड में है, चल रहा है कि भाई स्विच करना है, कोई बड़ा बदलाव आपके माइंड में चल रहा है, तो क्या ये सही समय है?
तो ईश्वर की कृपा से कितने मौके इस बार आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए? देखिए, अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है कविता जी, इस समय पे सूर्य, मंगल और गुरु कमजोर है जी। तो यहाँ पर धन का निवेश करने से बचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे महीने ही मत कीजिए, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई खरीदारी नहीं करनी। अभी खरीदारी कर सकते हैं जी। मगर पैसा कहीं शेयर मार्केट में, बहुत से लोग लॉटरी लेते हैं या जुआ सट्टा खेलते हैं, तो बड़ी धन हानि हो सकती है भाई जी। उस चीज से आपको बचना चाहिए, अन्यथा परेशानी में फंस जाएंगे। और कार्य व्यवसाय में भी कोई बड़ा परिवर्तन अभी मत करें जी। तो ये जो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, ये पूरे मास के लिए है। तो इस माह नो चेंज इन जॉब एंड बिजनेस। ओके। तो मैं जी, अब क्या लगता है, स्ट्रगल, संघर्ष का दौर क्या इस महीने देखना पड़ेगा? थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा इस महीने, शुरू में या एंड में? हम देख रहे हैं कि शुरुआती 15 दिन ज्यादा स्ट्रगल है, उसके बाद स्थितियों में सुधार होगा, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो चीजों में बदलाव भी आएगा। तो मैं जी, देखिए आपने की हेल्थ के बारे में बताया, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी हमने डिस्कस कर ली है। अब मैं जानना चाहूंगी फाइनेंशियली ये महीना इनके लिए क्या लगता है, फायदा दे रहा है कुछ, कितना कमा पाएंगे, बचत कर पाएंगे? देखिए, 16 तारीख के बाद धन लाभ कमाने के अच्छे मौके मिल रहे हैं इनको, व्यापारियों को। लेकिन इस महीने कोई बहुत बड़े लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अच्छा। व्यापार जगत में नॉर्मल जो आपका सामान्य लाभ होता है उतना लाभ सामान चलता रहेगा, तो बहुत बड़ी लाभ की युति वो अभी आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि शुक्र बुध अभी ये बने हुए हैं, भाग्य स्थान में है, तो पैसा तो आएगा लेकिन बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। उधारी दे सकते हैं, बचना चाहिए उन चीजों से भी, बचना चाहिए, क्योंकि पैसा लगाना, उधार देना, ये आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जैसे आप बता चुके, बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी बचना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है कविता जी, राशि का स्वामी छठे भाव में है, चतुर्थ भाव में राहु है, राहु की सीधा पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, सूर्य पे। सेहत के लिए नुकसानदायक, बिजनेस नौकरी के लिए परेशानी, बदलाव इस समय अच्छा नहीं रहेगा, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए अभी। मैं तो कह रहा हूँ पूरा महीना निकाल दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं इस बार? अभी बहुत कम संभावना है इस महीने, क्योंकि कभी कभी कोई महीना ऐसा होता है हमारा ग्रह गोचर कविता जी, अधिकतर ग्रह जो हमारे कहना चाहिए विपक्ष में रहते हैं या हमारे जो फेवर में नहीं रहते, तो जिसके चलते कुछ टाइम हमें अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। चलिए मैंग जी, ओवरऑल जैसे कि आपने बताया इनके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, उसको देखते हुए भाग्य आपको क्या लगता है कितना साथ देगा इस बार? देखिए, भाग्य तकरीबन मैं ओवरऑल देख रहा हूँ तो 70-75% फिर भी साथ दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी शुक्र बैठे हुए हैं, फिर सूर्य यहाँ आएंगे भाग्य स्थान में जी। तो आपका भाग्य जो है कहीं ना कहीं आपको एक जितनी जरूरत है उतना तो आपको पैसा देगा, खासकर व्यापार में। चलिए, और इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी एक छोटी सी सलाह और उसके बाद उपाय। सलाह के तौर पर क्रोध की अधिकता से बचें, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखें और धन का कहीं निवेश ना करें, और कार्य व्यवसाय में भी कोई परिवर्तन ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने क्या करना है कि सूर्य देव को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हल्दी या केसर का टीका माथे पर रोजाना लगाएं, तो आपके लिए शुभ फलों की वृद्धि हो जाएगी। चलिए, तो ये थे मिस्टर महेश शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना आप लोगों के बारे में। जी हाँ, धनुराशि, धनु लगन वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए अगस्त माह की शुरुआत उनके जीवन में कितनी खुशियाँ लेकर आ रही है, खुशियों की बाहर ला रही है। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर, और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।